हेलो गाइस, वेलकम टू नेहराज किचन। आज मैं आपको एक टेस्टी मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो हम आटे और मैदा दोनों से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है। आप जितना बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून नारियल बूरा डाल रही हूँ। तो नारियल बूरा डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर भी डाला है। तो 1/2 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और 2 पिंच मैंने यहाँ पे नमक डाला है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे तिल लिए हैं और 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है। तो सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है और अब इसके अंदर मोइन के लिए मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ। तो 4 से 5 टेबल स्पून हम घी डाल देंगे और ये इतना घी बच गया है तो इसको भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो पहले घी को हम अच्छे से पूरे आटे के अंदर मिक्स कर लेते हैं और बाकी मैं आपको बताऊंगी कि मतलब मोइन सही है या नहीं है, तो उसको कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरीके से पूरा मसल मसल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरे आटे में मोइन अच्छे से मिक्स हो जाए। सारा मोइन आटे में मिक्स करने के बाद में इस तरीके से मुट्ठी बनाकर देखेंगे। अगर मुट्ठी बन जाती है तो मोइन सही है। अगर आपको कम लग रहा है, मुट्ठी नहीं बन पा रही है, तो इसमें थोड़ा सा मोइन और डाल सकते हैं। और अब पानी डालकर एक डो तैयार करेंगे। तो डो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनाना है, बस मीडियम रखना है। तो पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ नहीं डालें वरना हमारा डो सॉफ्ट बन सकता है। तो खाने में ये जो मिठाई होती है वो कुछ कुछ बालूशाही में ही मिलती जुलती होती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आसानी है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो इस डो को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं ढक्कन लगाकर और अभी आगे का प्रोसेस करते हैं। तो जो घी बच गया था उसके अंदर हम 2-3 टेबल स्पून मैदा के डाल देते हैं और एक साटा तैयार करते हैं। तो इसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल भी मिला सकते हैं। तो मैंने इसमें 1/2 घी और 1/2 ऑयल मिलाया है। तो इस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। तो देखिए, ऐसा ही कुछ साटा तैयार कर लेना है। और अब सबसे पहले हम चाशनी तैयार करते हैं। तो चाशनी के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली है। आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 1.5 कटोरी ही मैं इसके अंदर पानी डालूंगी क्योंकि चाशनी हमें सिर्फ चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करनी है, 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डाला है और थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं। थोड़ा सा मैं फूड कलर भी डाल रही हूँ ताकि मिठाई के अंदर थोड़ा सा कलर आ जाए। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहिए तो डालिए वरना स्किप कर सकते हैं। और अब इसको मिक्स करते हुए हम एक चिपचिपी चाशनी तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे वरना जो हम मिठाई बनाने वाले हैं उसके अंदर तक नहीं जाएगी। तो इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि चाशनी बनी या नहीं बनी। तो चाशनी बनकर तैयार हो गई है और गैस को हम बंद कर देते हैं। तो इसको साइड में रख देते हैं ढक्कन लगाकर और अब मिठाई बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने लोयां बनाकर रख ली थी और अब इसकी पतली पतली रोटियां बना लेनी है हमें। तो पहले मैं सारी लोयां बना के और रोटियां बनाकर तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद में हम इसकी मिठाई बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी पतली रोटियां हमें बनानी है। ये देखिए, इतनी पतली रोटियां बनानी है और सारी रोटियां मैं पहले तैयार कर लेती हूँ। तो कम से कम 5-6 रोटियां मैंने तैयार कर ली हैं और अब इनके ऊपर हम साटा लगाकर सारी रोटियां एक दूसरे के ऊपर चिपका देंगे। तो देखिए, मैंने साटा डाल दिया है और पूरे इस रोटी पे फैला दिया है। तो पूरी तरीके से फैलाना है अच्छे से वरना ये बीच में से खुल जाएंगी, अच्छे से नहीं बन पाएंगी। तो इस तरीके से रोटियों को हम ऊपर रखते जाएंगे और साटा लगाते जाएंगे। तो जितनी भी साइज बड़ी रखनी है आप उसी हिसाब से 5 या 6 या 4-5 जितनी भी रोटियां आप लेना चाहे ले सकते हैं। अब हम इस तरीके से इनको फोल्ड कर लेंगे और किनारों को थोड़ा सा पानी लगाकर हम अच्छे से चिपका देंगे वरना ये खुल जाएंगी। तो इनमें रोटियां आपको उतनी लेनी है जितनी साइज बड़ी या छोटी रखनी है। तो मैंने यहाँ पे 6 रोटियां ली हैं और अब इनको अच्छे से रोल बना दिया है। रोल बनाने के बाद में हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए, दोनों साइड से मैं पहले कट कर देती हूँ, उसके बाद में हम इस तरीके से
काट लेंगे। तो कितनी मोटाई रखनी है वो भी आप देख पा रहे हैं, इतनी मोटाई हमें इसकी रखनी है। तो पहले सारे मैं कट कर लेती हूँ, उसके बाद में हम देखते हैं कि इनको कैसे करना है। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है, और अब इस तरीके से हमें इसको शेप दे देना है। तो जैसे ही हम फ्राई करेंगे, लेयर हैं एकदम से खुली खुली हो जाएंगी। तो लीजिए मैंने ऑयल गरम रख दिया था, और ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं रखना है, लो मीडियम पे ही रखना है, और धीरे धीरे इनको फ्राई करना है। तो अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि इस मिठाई का नाम क्या है, तो चलिए अब बता देते हैं। इसको खाजा बोलते हैं, और ये बिहार में और आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो ये देखिए इनको डालते ही एक बार बिल्कुल छेड़ना नहीं है, जैसे ही ये हल्की हल्की सी मतलब फ्राई हो जाएं, उसके बाद में हम झारे से इनको पलट देंगे, और उलट पलट करते हुए हम ये कलर आ जाए तब तक इनको फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद में दूसरे छलनी में हम निकाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो ये देखिए पहले से लेयर मतलब इसकी कितनी खुली खुली हो गई हैं। अगर मोइन की कमी रहेगी तो ये लेयर खुल नहीं पाएंगी, इसीलिए मोइन इतना कम भी नहीं डालना है, वो ज़रूर ध्यान रखें। तो लीजिए एक बैच मैंने निकाल लिया है, और अब इनको हम डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे, और चाशनी के अंदर हमें 4-5 मिनट के लिए रखना है, उसके बाद में हमें निकाल देना है, बहुत ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि इसके अंदर चाशनी चली जाए। और अब उसी झारे के अंदर मतलब छलनी के अंदर मैं इनको निकाल लेती हूँ, तो इससे एक्स्ट्रा चाशनी है वो भी निकल जाएगी। लीजिए खाजा मिठाई मैंने तो बनाकर तैयार कर ली है, अब आप भी इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एकदम टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है, और बनाना भी आसान ही है जैसे कि आपने देखा है। और आप वीडियो देखकर कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है।